हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत दिनों तक इंशाल्लाह मेरे ख्याल से मैंने कुछ ज़्यादा ही बना लिया। राइस बनाने का इरादा है मेरा कि मैं जो है चावल बना लूँ साथ में, और मैंने अपना सामान वगैरह रेडी कर लिया है आपको जी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। यकीनन जी आप सब लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी तो शाम के खाने का टाइम है, और लास्ट टाइम मैंने जो गोभी बनाई थी आपको व्लॉग नहीं दिखाया बिकॉज उस वक्त वीडियोस बनाना मैंने शुरू नहीं किए थे, तो वो बहुत सा सालन अभी मौजूद है दिन को जो बनाया था। तो शाम के खाने के साथ, रात के खाने के साथ, आई मीन डिनर के साथ वही सालन को यूज़ करेंगे, और साथ में जो है राइस बनाने का इरादा है मेरा कि मैं जो है चावल बना लूँ साथ में, और मैंने अपना सामान वगैरह रेडी कर लिया है आपको दिखाता हूँ और फिर बनाते हैं, साथ रहिएगा। और इसके अलावा जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पर वक्त पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो सामान मैंने रेडी कर लिया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं टमाटर था, हरी मिर्च थी, धनिया था और लाल मिर्च, उसके अलावा थोड़ी सी हमने सब्ज़ मिर्च काट ली है, और हमारे पास बिरयानी मसाला है, उसके अलावा ये लहसुन टमाटर प्याज ये हमने काट के ऑलरेडी मैंने तैयार कर लिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक हो गया जी। देगची में भी ऑयल हमने ऐड कर लिया हुआ है, ठीक है, और चावल भी हमने भिगो दिए हैं, पक्की बासमती राइस है और इसको भी पकाना शुरू करते हैं। जी तो फ्रेंड्स ऑयल हमने जैसे कि ऐड कर लिया होगा, एक चीज को चूल्हे पे रख देते हैं, काफ़ी है वो तो ये बन जाएगा, इसलिए मैंने अपने पास लगा दिया अपने पास और शुरू कर देंगे। अच्छा कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे कि बॉस व्लॉग्स इस चैनल का नाम क्यों है, जबकि मेरा नाम बशीर खान है और मैं यूट्यूबर हूँ आज से, आज से नहीं बल्कि कल से, क्योंकि कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। अच्छा तो बॉस व्लॉग्स की बात कर रहे थे, बॉस व्लॉग्स चैनल का नाम क्यों रखा गया। असल में निकनेम मेरा बॉस है, बचपन से ही बॉस 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 मशहूर है, इवन के मेरे घर में भी मुझे और तमाम भाइयों में मुझे बॉस ही कहा जाता है, इसलिए तो उस निकनेम के बेस पर जो है बॉस व्लॉग चैनल का नाम रख दिया मैंने। जी तो ऑयल हमारा इस टाइम थोड़ा सा गर्म हो गया है, अभी भी इसको थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल हो, किसी किस्म की कोई इंक्वायरी आपको करनी है, कोई सवाल पूछना है तो आप ऑयल लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर बाइक के हवाले से आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जहाँ पर भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा नज़र आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये व्हाट्सएप पर रब्ता करके अभी जो है इंस्टाग्राम फेसबुक भी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, आप फ्रेंड्स उसको भी फॉलो करके और
जी देखें, ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज वगैरह ऐड करते हैं। ऑयल हमने गर्म होते ही उसमें प्याज ऐड कर दिए हुए हैं और जिनको हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। वैसे पहले भाई बनाता है तो खुशबू भी नहीं आती, वैसे आपस की बात है, इतना मज़ेदार भी नहीं बनता। हालांकि मुझे बनाना नहीं आता, सीखा नहीं है, बस हॉस्टल लाइफ है तो खुद ब खुद ही ये चीज़ें, वो कहते हैं ना कि ज़रूरत इजाद की माँ है, तो जी हमारी माँ भी जो है ना सिखाने वाली हमें खाना पकाना, वो ज़रूरत ही है। अभी थोड़ी देर इसको भुना रहने देंगे। और चाइना नमक क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि आप चिकन क्यूब इसमें ऐड कर लें एज़ कम्पेयर टू चाइना नमक। ये प्याज हमारे ब्राउन होने के करीब हैं, इससे पहले कि ये जलना शुरू हो जाए हमें अब इसके अंदर लहसुन को भी ऐड कर देना चाहिए ताकि ये दोनों ही एक साथ बन जाए, पक जाए। क्योंकि अगर वो ब्राउन होने लगे और उससे हमने लहसुन को ऐड किया तो मेरा नहीं ख्याल कि लहसुन के भुनने तक जो है वो बच जाएंगे, प्याज जल जाएगा। इसलिए अभी से इसमें लहसुन मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ी देर इसको पकाएंगे और उसके बाद इसमें मैं टमाटर को ऐड कर दूँगा। मेरे ख्याल से आंटी के लिए करने की जरूरत नहीं, केला आदमी हो और या होना मेरे साथ कुछ वीडियो बनाने के लिए जरूरत, तो खेल आसान हो जाता है काम, आपको मैं फिर दिखा भी सकता हूँ। लेकिन अभी चूँकि मैं अकेला हूँ और कैमरे को अगर अपडेट करूँगा तो ये बहुत जल जाएगा। कुछ भी यकीन करें कैमरे में तो आपको आएगी, लेकिन मैं इस टाइम यकीन के साथ आपको बड़ी ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि कुछ अच्छी आ रही है ना, तो मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा ख्याल है इसके अंदर मैंने टमाटर की दाल की उसकी बनाई हुई है, टमाटर को भी ऐड कर देता हूँ। लहसुन असल में मेरा ये इरादा था कि सालन भी बनेगा और लहसुन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा काट लिया था, लेकिन वो फिर बाद में मैंने देखा सालन काफ़ी ज़्यादा था, सालन बनाने की कतन ज़रूरत नहीं थी, तो फिर मैंने सब कुछ के अंदर ही ऐड कर दिया। लहसुन थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन उस वक्त लहसुन बहुत मुफीद चीज़ है, उसमें बहुत से एंटी ऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशी है। हॉस्टल लाइफ इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये किस तरह से, मैं तो स्पेशल कुक नहीं हूँ, लेकिन हाँ अपने जो का मैं कर ही लेता हूँ और अलहमदिल्ला बहुत 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 मज़ेदार भी कुकिंग कर लेता हूँ। लेकिन उसमें ये नहीं है कि मैं जो कुछ बना रहा हूँ मैं आपको पोस्ट करूँगा कि मेरे तरीके से ही आप बनाएँ, क्योंकि मैं प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ, हो सकता है कि आपको मेरे वाले तरीके से मज़ेदार ना लगे। लेकिन मैं इसे अपने बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी दोस्त आप जाहिर है हर बंदे का टेस्ट डिफरेंट होता है, वो भी अगर मेरी कुकिंग को टेस्ट करते हैं तो अलहमदिल्ला मुतमिन होते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त है। बिरयानी मसाले को ज़रा अनपैक कर लें ताकि जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। तो मैं ढीला बहुत सुस्त आदमी,
तैयार होता है आप इतने में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का अपडेट जो है वो आप तक बराबर पहुंचता है। वैसे यकीन पर चावल मैंने कभी अपने हाथ से पहले बनाए नहीं है, बस एक आइडिया है देखने के साथ क्या होता है। बाकी सालन जो दूसरा सालन जो है जितने भी हैं वो तो अलहमदिल्ला मैं सही कॉन्फिडेंस बना दूसरे चावलों का ये बड़ा मसला होता है कि पानी ना डालें क्योंकि वो फिर बुझ जाते हैं। तो बहुत से लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते, मैं तो बैठा मैं पूछते थे मैंने कौन सा लेना है खाना ही है ना। मेरा सालों का टेस्ट है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे लुक वाइज भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो कुछ यकीन से कह नहीं सकता जी। तो ये काफ़ी हद तक मसाला हमारा सालन हो गया, अब इसको गलने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि ये जो मसाला है वो अच्छी तरह से पक जाए। मैं थोड़ा सा स्पाइसी पसंद करता हूँ और इस वजह से मैंने ये थोड़ी सी ज़्यादा रखी है बिरयानी मसाले के साथ। लेकिन आपने जो भी करना है वो अपने टेस्ट के मुताबिक करना है। वैसे तो मैं इस चीज़ को रेकमेंड नहीं करता कि आप मेरे तरीके से कुकिंग करें क्योंकि आई एम नॉट प्रोफेशनल कुक और ना ही मैंने सीखा है। मुझे तो सिखाया है एक्सपीरियंस भी तजर्बात में, अब इसमें सबक में इसको भी ऐड कर देता हूँ सबक में। हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत दिनों तक इंशाल्लाह मेरे ख्याल से मैंने कुछ ज़्यादा ही बना लिया चावलों के लिए। ये देखते हैं आप बॉस व्लॉग, ना ना मुझे दिखा, चलो दिखा दे। ये देख रहे हैं आप बॉस व्लॉग, असल काम है मसाला पकाना, ये गंजा आपको बता नहीं रहा ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि इसे बताना चाहिए कि मसाला अगर अच्छा बन जाए तो फिर हर चीज़ अच्छी बनती जी। आप ज़्यादा प्रोफेशनल कुक हैं जी, मैं तो मुझे कहाँ कुकिंग आती है, मैं तो ये बल्कि कह रहा हूँ कि कभी भी आप मैं आपको अपना तरीका रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ। अगर ख़राब होगी मेरी जिम्मेदारी नहीं है इसमें पानी तो एक और काम करें फिर बाहर से मंगवाएं ऑर्डर करें फूड पांडा, ये इधर से पानी इधर से यार मीठा पानी नहीं नहीं ये भी अगर अच्छा जायका चाहिए आपको अच्छे वाला पानी डालें, जमजम का पानी डालें। अच्छा बॉस ने आज मेरा व्लॉग नहीं बनाया, मैं तीन गिलास के बंदे के ठंडे पानी से मुझे नहाना पड़ा, इंशाल्लाह कल फिर नहाना पड़ेगा क्योंकि धूप कल निकलेगी इंशाल्लाह, आपका फिर दिल करेगा कि मैं नहा लूं। अकेले भी व्लॉगिंग करना कितना मुश्किल है, छुट्टी वाले दिन नहाना ऐसे ही है जैसे आइस बकेट का चैलेंज है ठीक है, छुट्टी वाले दिन नहाना बहुत मुश्किल है। तो बॉस गंजा अभी अभी शुरू किया है इसने व्लॉगिंग ठीक है, अभी बोलता नहीं है आहिस्ता आहिस्ता बोलेगा, वरना इंशाल्लाह ये जो हरी मिर्चे आप देख रहे हैं ना ये दिखाए हरी मिर्ची दिखाएंगे पहले, ये हरी मिर्चे ये हरी मिर्चे बॉस को देंगे खिलाएंगे यानी खिलाएंगे हाँ। तो फिर बॉस बोलेगा भी और दौड़ेगा भी दौड़ेगा भी और चीफा बिरादर से आगे निकल जाएगा बशीर बिरादर हाँ।
बशीर बिरादर, चीमा बिरादर, न्याजी एक्सप्रेस सबसे आगे, बलोच तैयारा, बलोच तैयारा, बॉस तैयारा बन जाए। चले जी बॉस, ये लॉगिन करें आप। ठीक है, मैं जाके आर स्टूडियो। क्या आर स्टूडियो? चलो जी करो जी करो करो जी। ये मुदस्सिर खान साहब थे, बड़े भाई हैं मेरे, हम चार भाई हैं और चारों में सबसे छोटा मैं हूँ, ये चारों में सबसे बड़े। तो ये PhD कर रहे हैं बॉटनी में, रिसर्च चल रहा है इनका। अब ये है कि इनका भी चैनल है जहाँ पे सियासी हवाले से तबसरे वगैरह होते हैं, लेकिन दोस्तों का प्यार इतना मिलता है, व्यूअर्स का प्यार इतना मिलता है कि मेरा दिल नहीं करता फिर बनाने को। होता है यार, टाइम निकाले। ठीक है भाई, एक मिनट के लिए आप ना देख लो यार, थोड़ा सा एक मिनट चलाओ। लिंक लगा दूंगा इनके चैनल का, माशाल्लाह बहुत अच्छा तजिया होता है और मुल्की सूरत हाल, इंटरनेशनल जो सूरत हाल है उसके ऊपर बड़े अच्छे तबसरे होते हैं। बॉस बात पता क्या है, ये बोतल है पानी पीने का, ये पानी पीने वाली बोतल है। अच्छा पता क्या है, इतना व्यूअर्स का प्यार मिला मुझे, इतना प्यार मिला, मेरा 6-6 महीने बहुत काम करने को दिल नहीं करता। एक दूसरा हमारा जो काम होता है हेडेक वाला होता है, उससे हम मेंटली तौर पे एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। जब आप इस कंडीशन में होते हो और फिर आपको व्लॉग करने के लिए, ये नहीं है कि कैमरा उनके सामने बैठा और जनाब शुरू हो गया, नहीं, वो आपको प्री शूटिंग में ही आपको वर्क करना पड़ता है, जैसे आप कहते हैं कि प्री प्रोडक्शन वर्क, फिर पोस्ट प्रोडक्शन वर्क भी करना पड़ता है। तो ऐसे में फिर अगर रिस्पॉन्स ही ना आए तो फिर मुझे ये बताओ, शुरू हो जाएगा रेगुलर होने की वजह से आना शुरू हो जाएगा। असल में एल्गोरिथम यूट्यूब के ऐसे हैं कि थोड़ा सा टाइम लेता है। हम चाहते हैं कि यार लोगों तक सही बात जाए, हम अपनी सी कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग सही बातें करते हैं, वो भी करता है जनाब। मैं इमरान खान हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, अपना भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें और अपने चैनल का, इस चैनल का, लेकिन मेरे चैनल का किसी ने ख्याल नहीं। तो माशाल्लाह, नहीं वो मैं सुनता हूँ यार, वो बहुत अच्छे असल में, वो बहुत पुराने प्रोफेशनल है ना, आप ठीक है जी, तक खाना नहीं बन जाता। मैंने सोचा कि खजूरें भी खा ली जाएं, और अगर आपने भी किसी ने खानी है तो ले आओ ना, ले आओ भाई, मेरे तो कहने का फायदा नहीं है क्योंकि आप मेरे से खा नहीं सकते। हाँ, जब मैं खा रहा हूँ तब भी चला के साथ में खा सकते, लेकिन मैं ये कहूँ कि खा के खा ले, ऐसा कुछ नहीं है, ले आओ भाई। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा, अपना तरीका बड़ी रिकमेंड करूँगा, क्या ना करूँ। वो बात ये है कि जब चावलों में मसाला हम बना लेते हैं चावलों के लिए, उसमें पानी हम अपने चावलों के हिसाब से डाल देते हैं कि किलो है कितना डले, दो किलो है कितना डले, मैंने तो अपने अंदाजे से डाला है, बिल्कुल भी मैंने मेजरमेंट नहीं रखी क्योंकि मुझे पता ही नहीं। अब एक बात का पता है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब पानी उबल रहा हो आप उसको थोड़ा सा चख लें, नमक थोड़ा सा शोक होना चाहिए, टेस्ट की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, नमक शोक होना चाहिए, उसके बाद फिर जब आप उसमें चावल ऐड करते हैं तो चावलों में नमक थोड़ा बेहतरीन रहता है। ये मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा, ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मेरे वाले तरीके से पकाएँ क्योंकि उससे खतरा है बहुत। तो इस टाइम मैंने चावल ऐड कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, क्योंकि पानी उबलने लग गया था, ज़्यादा भी नहीं ना उबालना वरना वो तो खुश्क हो जाएगा, जो मेरा अंदाज़ा है कि इतना पानी होना चाहिए उससे तो काम बड़ा कॉर्पोरेशन हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि थोड़ी सी कम अज़ कम मैं अपने तरीके से पका रहा हूँ, मेरे तरीके में मुझे तो प्रॉब्लम ना हो।
इसलिए इसमें भी चावल ऐड कर रहा हूँ और मक्खन ऐड कर रही हूँ। देखते हैं क्या बनता है, कुछ तो बनेगा। चलो चावल डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ चावल, डूब के मर जाओ। ये फ्रेंड्स इसकी लुक है, वैसे कैमरे के साथ लाइट भी होनी चाहिए थी। तो ये इसकी लुक है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये लुक है इनकी। वाह जी वाह, ये तो कमाल के ही लग रहे हैं फिलहाल तो। लेकिन ये मैं इसका इनके बनने के बाद इनके बारे में कुछ नहीं बता पाऊँगा, वो तो फिर खाने वाले ही बताएंगे, या फिर आर या फिर पार, या तो अच्छे बन जाएंगे या फिर ओए मुझे तो लगता है पानी ज़्यादा ऐड हो गया मुझसे। चलो कोई नहीं, मैंने कौन सा कंपटीशन में रखने हैं, अगर साबित भी बने होंगे ना तो दांतों में इनका ऐसा कबाड़ा होना है ना, तो ये अलग अलग होके भी क्या कर लेंगे। मिलते हैं इनको तैयार होने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बड़ी लजीज, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, बशर भाई खोलने लगे अभी तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। अल्लाह ताला बरकत डाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी बड़े ही लजीज चावल बने हैं, तो चावलों का सादा नहीं लग रहा है। आप अपने घर में इस तरह से कभी मत ट्राई कीजिएगा। और माशाल्लाह बड़े ही लजीज और बड़े खस्ता चावल लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी प्यारी खुशबू है जी। तो आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, और आप इस तरीके से अपने घर में ट्राई बिल्कुल मत कीजिएगा। पानी का बिल्कुल आपने ख्याल रखना है, वरना मेरी तरह से आप ही सालन बना के इनका बैठ जाएंगे। खैर मैंने तो अपनी मसरूफियत का व्लॉग किया है, आपको रेसिपी मैंने कभी भी रिकमेंड नहीं करनी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ। चावल तो वैसे भी मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं। एक गलती मुझसे हुई है कि पानी का मुझे पता नहीं है चूल्हे के कितना डालना होता है और कितना नहीं डालना होता, इसलिए इनका हाल थोड़ा सा ज़्यादा खस्ता हो गया। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, और अगली वीडियो में किसी में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।